क्या होता अगर दुनिया में भारत ना होता। दोस्तों हम सब 26 जनवरी और 15 अगस्त को देशभक्ति के नारे लगाने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी दिन हम भूल जाते हैं कि हम किस महान देश में रह रहे हैं। दोस्तों 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के खास अवसर पर इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि अगर भारत ना होता तो इस पूरी दुनिया की तस्वीर क्या होती। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे कि आप अपने इस महान देश की विशेषताओं को जान सकें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की दृष्टि से। दोस्तों यह पूरी दुनिया 148.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसका एक बड़ा हिस्सा 3.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत ही है। अगर दोस्तों भारत ना होता तो यह पूरा 3.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा ना ही होता। और दोस्तों इस पूरी दुनिया में लगभग 750 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 135 करोड़ की आबादी भारत की है। अगर दोस्तों भारत ना होता तो इस पूरी दुनिया में हर 6 इंसानों में से एक इंसान गायब हो चुका होता। तो दोस्तों यह तो थी लैंड और पॉपुलेशन की बात। तो दोस्तों अब हम धर्मों की बात करें तो इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धर्म हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म हैं। और दोस्तों खास बात तो यह है कि इन चारों धर्मों का जनक भारत को ही माना जाता है। तो दोस्तों धर्म ही क्या बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे मुल्क भी भारत से ही अलग होकर बने हैं। और दोस्तों अगर भारत ना होता तो शायद इन देशों का आज कोई अस्तित्व भी ना होता। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास की तो भारत का इतिहास सदैव ही पूरी दुनिया को प्रभावित करता आ रहा है, फिर वह ताजमहल हो या फिर भारत की खोज में निकले क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की खोज। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक खास बात बताने जा रहा हूँ। विश्व के सबसे क्रूर तानाशाह माने जाने वाले अडॉल्फ हिटलर ने जब अपनी निजी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने अपने पार्टी के झंडे में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया था। और दोस्तों शायद यह बताने जरूरत नहीं होगी कि स्वास्तिक चिन्ह भारत ने ही पूरे विश्व को दिया था। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हम भारतीयों ने कभी भी किसी भी चीज़ को बांटने में संकोच नहीं किया, फिर वह संस्कृति हो या फिर ज्ञान। दोस्तों जब ज्ञान की बात आ ही गई है तो मुझे लगता है आज भी बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स से डरते होंगे। तो दोस्तों सोचकर देखिए अगर जीरो और ट्रिग्नोमेट्री ना होता तो आज मैथमेटिक्स की तस्वीर क्या होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पूरे विश्व को जीरो और ट्रिग्नोमेट्री भी भारत के गणितज्ञों ने दी है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स ही क्यों बल्कि आज के तकनीकी युग में वाईफाई, टीवी, रेडियो आज इनका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ चुका है। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत गर्व होगा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इन सब तकनीकों के विकास में बहुत काम किया है। और दोस्तों इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर भारत ना होता तो पूरा संसार आज वाईफाई, रेडियो, टीवी को प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा होने के बाद मीठा खिलाने की परंपरा और प्यार का प्रतीक माने जाने वाले हीरे की खोज भी भारत में ही हुई थी। और दोस्तों हमारे देश की खास बात तो यह है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ होली से लेकर दिवाली और ईद से लेकर लोहड़ी सब लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस महान देश की विशेषताएं एक एक कर बताने लगा तो यह वीडियो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, जिन विशेषताओं को मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ आप मुझे कमेंट कर बताना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप शेयर भी कर दें जिससे कि यह जानकारी आपके परिवारजनों और दोस्तों को भी मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।